हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा। वेलकम टू डोस्टाप लर्निंग। आज हम ज्योग्राफी एमसीक्यू 7 करेंगे, जो आपको आने वाले यूसीजी नेट एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। देखिए, आप डेली पढ़ाई के साथ कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वह काफी बेहतरीन तरीके से होगी। इससे जो आप डेली पढ़ रहे हैं उसका साथ साथ आपका असेसमेंट भी होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ऊर्जा पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वभक्षी स्थिति को सबसे अच्छा दर्शाता है। ऊष्मा गतिकी के दूसरे सिद्धांत के आधार पर क्रम खाद्य स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा में क्रमशः कमी आती है। दो, उत्पाद स्तर पर ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जैसे जैसे दूसरी कड़ियों की ओर जाते हैं ऊर्जा की मात्रा कम होती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा का व्यय हो जाता है तथा दूसरे स्तर पर लगभग 10% ऊर्जा ही उपलब्ध होती है। इससे पहले भी हम ये ऊर्जा पिरामिड का क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है सी। यह दोनों ही कथन जो है सही हैं। एक बार से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम है एनर्जी का, और ये प्रोड्यूसर है फर्स्ट पे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टेरिटरी कंज्यूमर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 90% जो ऊर्जा का व्यय हो जाता है यानी खत्म हो जाती है, और जो नेक्स्ट ऊपर जाते हैं सिर्फ 10% ऊर्जा ही जो मिल पाती है। अगला प्रश्न है, हार्ट स्वॉन ने किस पुस्तक की रचना की। ए, राजनीतिक सीमाएं। बी, भारत चीन सीमांत विवाद। सी, राजनीतिक भूगोल। डी, भारत पाक सीमांत विवाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, भारत चीन सीमांत विवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसकी अवस्थिति असम राज्य में है। ए, नर्मदा। बी, ताप्ती। सी, कावेरी। डी, कोपिली। देखिए, इस क्वेश्चन को लगाना बड़ा आसान है। ये तीनों ही देखिए दक्षिण भारत की नदियां हैं, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, कोपिली। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल किस भूगोल की प्रमुख शाखा है। ए, पर्यावरणीय भूगोल। बी, आर्थिक भूगोल। सी, भौतिक भूगोल। या डी, पारिस्थितिकी भूगोल। इसका करेक्ट आंसर है बी, आर्थिक भूगोल की यह शाखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ताप परिवर्तन के प्रभाव से चट्टानें बड़े बड़े खंडों में टूटकर विघटित होती हैं, तो इसे ओनियन अपक्षय कहते हैं। दो, विभिन्न खनिजों से निर्मित चट्टानें ताप परिवर्तन के प्रभाव से छोटे छोटे कणों में विघटित होती हैं, तो इसे पिंड विच्छेदन कहते हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पॉज करके पहले आप खुद लगाएं आंसर। देखिए, ये दोनों ही कथन जो है गलत हैं। तो इसका ना तो एक ना ही दो, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसे एक बार ही देख लेते हैं। यहाँ पे आप इसकी दोनों की सही परिभाषा देख सकते हैं। देखिए, जब इन दरारों के सहारे चट्टाने बड़े बड़े खंडों में टूटकर विघटित होती है, तो इस यह प्रक्रिया पिंड विच्छेदन कहलाती है। आप खुद ही वर्ड से समझिए, बड़े बड़े खंडों को ही तो हम पिंड कहते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े थोड़ी हो सकता है। अगला देखिए, इसमें रेगिस्तानी तथा अर्ध रेगिस्तानी भागों में तापांतर तथा वायु के सीमित प्रभाव के कारण जब चट्टानों की पतली पतली परतें उखड़ने लगती हैं, तो इसे शैलो का अवदलन कहा जाता है, इसे ओनियन अपक्षय भी कहते हैं। देखिए, आप वर्ड से समझिए, ओनियन यहाँ पे यानी प्याज, और प्याज कैसी होती है, परतें होती हैं, जब से छीलते चले जाएंगे तो परत के परत निकलती है। तो इसी तरह इसमें चट्टाने की जो पतली पतली परतें हैं वह उखड़ने लगती हैं, और यह दोनों ही क्रिया हमारी यांत्रिक अपक्षय यानी ताप परिवर्तन में शामिल होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यह दोनों ही परिभाषाएं गलत है। यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में लिखा है या कणों में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठनों में शामिल है। ए, वनस्पति एवं अवघटक। बी, वनस्पति एवं ऊर्जा। सी, जैविक एवं अजैविक। डी, जंतु एवं वनस्पति। तो आप खुद सोचिए आंसर क्या होगा इसका। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जैविक एवं अजैविक।
देखिए ये सब भी है ये, लेकिन इन सब का चीजों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण घटक है जिनके ऊपर ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है, यह है, दो है जैविक और अजैविक। अगला प्रश्न है कथन कारण का। एक, हम्बोल्ट का विश्वास एकीकृत विज्ञान में था जिसमें समस्त भौतिक जैविक और सामाजिक विज्ञान से मिलित होते हैं, यानी विज्ञान के जितने भी पक्ष हैं सब एकीकृत विज्ञान में शामिल हैं। और कारण, हम्बोल्ट प्रकृति को एक जैव इकाई मानते हैं जिसकी उत्पत्ति किसी विशेष क्षेत्र में जैव और अजैव वस्तुओं के अंतर संबंधों से होती है, यानी अजैव और जैव अजैव वस्तुएं हैं आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं। इसका आंसर करेक्ट है ए, यह दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, महाद्वीपीय मग्नतट महाद्वीपीय चबूतरे का विस्तृत भाग है। महाद्वीपीय मग्नतट, ये देखिए समुद्र में जो तट का जो समुद्र में भाग जो डूबा हुआ होता है उसको महाद्वीपीय मग्नतट कहते हैं। देखिए क्योंकि जो महाद्वीप की जो ये फीचर होती है, देखिए इसमें देख सकते हैं इसके डिफरेंट फीचर होते हैं जिसे हम ओशन फ्लोर भी कहते हैं। ये देखिए ये महाद्वीपीय मग्नतट है, कॉन्टिनेंटल स्लोप जिसे बोलते हैं हम। सेकंड, अंतर समुद्री महाखंड महाद्वीपीय मग्नतटों की सबसे प्रमुख आकृतियां हैं। थर्ड, महाद्वीपीय मग्नतट सागरीय अपरदन एवं नदी जमाव के प्रतिफल है। फोर्थ, भारत में चौड़े मग्नतट पाए जाते हैं। सो, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, फर्स्ट और थर्ड इसमें सही होगा, ये वाला महाद्वीपीय मग्नतट महाद्वीपीय चबूतरों का विस्तृत भाग है और यह सागरीय अपरदन और नदी जमाव का प्रतिफल होते हैं। अगला प्रश्न है कथन कारण का। ए, सुदूर संवेदी तथा भूगोलिक सूचना तंत्र GIS दोनों ही स्थानिक महत्व की परिघटनाओं के विश्लेषण से संबंध है। कारण है, आर, सुदूर संवेदी भूगोलिक सूचना तंत्र को आंकड़े प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है तथा विलोमता। देखिए सुदूर संवेदी क्या करता है, अर्थ का जो लैंड फीचर है उसका विश्लेषण करता है, ठीक है, और इसी के साथ ये है विश्लेषण करके जो है ये आंकड़े प्राप्त कराता है, डाटा देता है। तो ये दोनों ही सही हैं और ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है लटकती घाटियों का संबंध है। ए, वायु क्रिया से, बी, हिमानी क्रिया से, सी, तरंग क्रिया से, डी, नदी क्रिया से। सो, इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, हिमानी क्रिया से। देखिए ये हैंगिंग वैली का डायग्राम है, इसमें देखिए यह मुख्य वैली होती है, प्रमुख घाटी जिसे कहते हैं, जब से अन्य जो घाटी जिस स्थान पे आकर मिलती हैं तो ये हैंगिंग की तरह देख सकते हैं आप, तो ये इससे मुख्य घाटी से ऊंची दिखती हैं आप देख सकते हैं, तो इसे ही हम हैंगिंग वैली कहते हैं। तो ये हिमानी यानी ग्लेशियर लैंड फीचर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए, इटाई इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण, बी, मिनी माटा रोग पारा प्रदूषण, सी, नाकनी रोग शीशा प्रदूषण, ब्लूबेरी रोग नाइट्रेट प्रदूषण। सो, इसका जो करेक्ट आंसर है सी है, नाकनी रोग जो है यह घुटनों की बीमारी से संबंधित होता है। तो मैं आपको इटाई इटाई रोग के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। देखिए ये जो बीमारी है ये जापान टोक्यो से शुरुआत हुई है इसकी, और यह माइनिंग जो करते हैं उसका जो प्रदूषण है नदियों में जाने से, फिर यह नदियों का जो पानी है खेतों में गया है, और फिर जो चावल की पैदावार है उसमें कैडमियम की ये मात्रा पाई गई जिससे जब ये ह्यूमन बींग ने खाया ये राइस जो है प्रदूषित तो चावल हो गया, ये इससे बीमारी, इससे जो किडनी और लीवर और हड्डियों की देख सकते हैं बीमारी हो गई है इससे, इसी को हम जो है इटाई इटाई डिसीज कहते हैं, ये लीवर और किडनी पे इफेक्ट करता है। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मिनी माटा रोग है जो मरकरी से होता है, ये एक्सट्रीमली एक टॉक्सिन है जो इंडस्ट्रियल उससे गंदा इसका यूसेज से निकलता है, और यह जो रोग है ये
स्टार जो हुआ था मिनीमाटा बे है जापान में, इसमें जो है मरकरी की जो क्वांटिटी है ये पॉइजन इसकी मात्रा पाई गई जिसके कारण ये रोग हो गया है। और जो लोग यहाँ पे मिनीमाटा बे के पास रहते थे और जब ये पानी मछलियों में गया है जब तो जब इन लोगों ने मछली खाई है तो उन्हें यह बीमारी हो गई है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज है ये। इसी के साथ ये जो नाइट्रेट प्रदूषण है ये ब्लूबेरी, ये जो ब्लूबेरी होती है उनकी पत्तियों में हो जाता है। अगला प्रश्न है, लागत के अतिरिक्त अभिगम्यता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। ए समय, बी दूरी, सी ए और बी दोनों, डी विस्थापन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी है, ए और बी दोनों है। देखिए इसमें क्या होगा, यदि किसी वस्तु का उत्पादन और उसका जो बाजार है उसके मध्य समय और दूरी दोनों ही अधिक लग रहा है तो वस्तु की जो लागत है वह बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वस्तु के उत्पादन और उसके जो बाजार है वहाँ पे इन दोनों के जो बीच का समय और दूरी दोनों कम लग रही है पहुँचने में तो वस्तु की जो लागत है वह कम होगी। इस तरीके से ये दोनों ही इससे प्रमुख कारक हैं। अगला प्रश्न है, आयन मंडल में पाई जाने वाली ई परत को किस नाम से जाना जाता है। ए कैलेनी हैवी साइड, बी हीलियम साइड, सी ओजोन स्फीयर साइड या डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका सही आंसर है ए कैलेनी हैवी साइड, ई परत को इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक वनों का अनुपात है। ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सो इसका सही आंसर है बी मिजोरम। अगला प्रश्न, भारतीय मानसून पर किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। ए हिमालय की स्थिति, बी पश्चिमी जेट स्ट्रीम, सी ए और बी दोनों या डी भारत की पारद्वीपीय स्थिति। तो इसका सही आंसर सी है, ए और बी दोनों सही हैं। यह हमारी आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ये पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है। ए झेलम घाटी, बी दून घाटी, सी कश्मीर घाटी या डी सिंधु घाटी। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं यह पीर पंजाल रेंज और जास्कर रेंज। तो ये देखिए यहाँ पे वैली ऑफ कश्मीर, यहाँ पे कश्मीर की घाटी पाई जाती है। सो इसका सी ऑप्शन सही है, कश्मीर घाटी। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसी के साथ कोई और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। थैंक यू।